मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से मुंबई में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की बेटी निलोफर खान मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए की मांग की है। निलोफर ने देवेंद्र फडणवीस से माफी मांगने के लिए कहा है और अगर फडणवीस माफी नहीं मांगते हैं तो कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की भी बात कही है। निलोफर ने कानूनी नोटिस को ट्वीट करते हुए कहा कि झूठे आरोप जीवन बर्बाद कर देते हैं, इससे पहले कि कोई आरोप लगाए उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मानहानि नोटिस झूठे दावों और बयानों के लिए है जो देवेंद्र फडणवीस ने मेरे परिवार पर लगाए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक के दामाद के घर से ड्रग्स मिलने की बात कही थी, इसी के चलते मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को ऐसे वक्त में नोटिस भेजा है जब क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर जहां नवाब मलिक ने फडणवीस पर नकली नोट बनाने वाले रैकेट को बचाने का आरोप लगाया है, तो वहीं फडणवीस ने दावा किया है कि मलिक और उनके परिवार के सदस्य संदिग्ध लैंड डील्स में शामिल थे। इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े ने गुरुवार को जाति को लेकर नवाब मलिक की ओर से उठाए गए सवाल पर मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। नवाब मलिक ने वानखड़े की जाति पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम हैं और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। मुंबई से लगातार सामने आ रहे आरोप प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है, ये अब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से मुंबई में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की बेटी निलोफर खान मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए की मांग की है। निलोफर ने देवेंद्र फडणवीस से माफी मांगने के लिए कहा है और अगर फडणवीस माफी नहीं मांगते हैं तो कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की भी बात कही है। निलोफर ने कानूनी नोटिस को ट्वीट करते हुए कहा कि झूठे आरोप जीवन बर्बाद कर देते हैं, इससे पहले कि कोई आरोप लगाए उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मानहानि नोटिस झूठे दावों और बयानों के लिए है जो देवेंद्र फडणवीस ने मेरे परिवार पर लगाए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक के दामाद के घर से ड्रग्स मिलने की बात कही थी, इसी के चलते मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को ऐसे वक्त में नोटिस भेजा है जब क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर जहां नवाब मलिक ने फडणवीस पर नकली नोट बनाने वाले रैकेट को बचाने का आरोप लगाया है, तो वहीं फडणवीस ने दावा किया है कि मलिक और उनके परिवार के सदस्य संदिग्ध लैंड डील्स में शामिल थे। इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े ने गुरुवार को जाति को लेकर नवाब मलिक की ओर से उठाए गए सवाल पर मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। नवाब मलिक ने वानखड़े की जाति पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम हैं और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। मुंबई से लगातार सामने आ रहे आरोप प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है, ये अब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट।